आपकी बात करते हैं, आवाम आप भी है मैं भी, और जब भी लोगों की बात हो तो वहाँ पर एक आप इकट्ठे इसलिए हो जाए जिंदगी में एक पैगाम दिया करें कि हम अभी तक जिंदा है, हमारे जमीर जिंदा है, हम चलती फिरती जो है वो लाशें नहीं है। आजाद कश्मीर के अंदर बहुत सारे जो है वो चलती फिरती लाशें मस्जिद के जो है वो जिसम से रूह खींचने वाली बात है, बाकी जा रही होती है मस्त किस्म की लाश, उसको पता ही नहीं होता महंगाई हो रही है या नहीं हो रही है। बल्कि ऐसे लोग भी होते हैं जो ये कहते हैं कि एहतियात के लिए खड़े हो गए जी, क्या सस्ता हो जाएगा, तो बाद में आकर ये कहते फलां आटा ही नहीं देता, वही अब वही शुगर मेले वाले जब आकर कहते आटा ही नहीं देता तो फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर आकर खड़े हो जाया करो। आज देखो एक बात के सुन लो, महकमा बर्कियात वाले अजीम चोरों आप एक बात सुन लो, आपने थोक के हिसाब से बिल्ला जारी की है, मैं आपको वैसे भी कहता हूँ लेकिन असल में गैरत है नहीं ना आपने तो हम कहाँ से दें, कोई जगह हो जहाँ से बिकती हो तो फिर हम आपको दें, ताकि आप 100 यूनिट का बिल 700 ही दें 1600 ना दें किसी गरीब को। और आटे वाला हम आपको ये कहते हैं महकमा जो है वो तो फूड वाले हैं, वो वजीर आजम आजाद कश्मीर भाई साहब उनको हम ये कहते हैं कि भाई साहब होश में आओ, आपकी भूखी मर रही है, महंगा आटा भी नहीं मिल रहा है इनको, रोते हो पुड़के मांगते हो उनके सारी चीज़ें करके, कभी साथियों के खिलाफ उनके साथ बदतमीजी करते हो, तुम्हारी खूब भूखी मर रही है, वो मर्सिडीज पर घूम रहे हो, और यहाँ का गरीब उसके पास 1800 रुपया नहीं है, 250 कहाँ से दे, कहाँ से वो मांग कर रहे हैं। और बोलो बुजुर्गो हमने एक काम करना है, दो चार दिनों के बाद हम लाए अमल तय करते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ कि जब भी आपको कहा जाता है, जब भी आपको बुलाया गया, आपने जमाती हवाले से हटकर यहाँ पर आज पहुँचे, आप हर वक्त आप पहुँचे, मैं आपका मशकूर भी हूँ, और साथ मशकूर के साथ साथ काम भी तो आपका ही होता है, सारा तो मेरा ही तो नहीं होता, सब चलाते हैं आटा सब खाते, तो कहीं जो है वो दो हाथ करने पड़ेंगे, रुपया जो आपकी तरफ जाए इतिहास की तरफ लगातार जाना होगा, उस वक्त आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, उस वक्त अगर कोई सियासी कारीगर जिस तरह हमारे साथ देगा वो ये कहे जाकर कि जनाब ये जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की बात है, वहाँ ना जाओ पता नहीं 8 स्टार लग जाएंगे उसको, तो उसको ये कहना है कि स्टार के लिए अगर झूठ होती तो वो फौज में जाता, सच्ची बात है मैं नहीं गया हूँ, कम अज कम थोड़ा बहुत जो है वो 2-3 फीटियाँ ज़रूर लग जाती, जहाँ पर खड़े होने से आपकी अपनी बात होती है, और जब भी आपको कार दी जाएगी बकियात वालों को मैं कहता हूँ एसटीओ जो ट्रैक कर बैठे हुए, और यहाँ पर भी जो कारीगर हैं, कारीगरों एक बात याद रखो, जहाँ पर लोकल चोरों आपको नहीं नज़र आता कि ये गरीब के 1600 कहाँ से देगा, 100 यूनिट का 50 यूनिट का उसका तो एहसास करो। तो आज पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर सरदार हसन इब्राहिम साहब ने कार दी हुई थी, तो मैं उनका भी मशकूर हूँ कि जब भी बात की जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने वो मैरिट से हटकर जजिस की कर रही हूँ, वो आवाम की बात हो, हमेशा जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी फ्रंट लाइन पर रही, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, इससे कि उन्होंने इनिशिएटिव ली है, उन्होंने कहा है तो मैं यहाँ पर आकर जो वो खड़ा हुआ हूँ, तो मैं बाकी तमाम सियासी जमातों के हिस्से के मेरे साथ जो बैठे हुए हैं ये भी सियासी जमातों के लोग हैं, ये भी आपकी बात करते हैं, मैं जो है वो जहाँ मैं करता हूँ गफूर आसी साहब कौमी एतहाद पार्टी के सरबरा हैं, इनका भी मशकूर हूँ, उसके बाद जो है वो माजद साहब का मशकूर हूँ, अल्ताफ़ बशारत साहब का, ये दोनों पीपल्स पार्टी को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, मैं इनका भी मशकूर हूँ, और वैसे भी करना चाहिए, पीपल्स पार्टी ने तो बात की है आवाम की, हर दफ़ा जो है वो बात की है, तो आप सबका मैं मशकूर भी हूँ, और आजकल सोशल मीडिया है जब भी कहीं जो है वो कॉल दी जाएगी ये बर्कियात वालों के खिलाफ एक और मजाहरा कर लें, कहीं जो है वो अगर आप सारे पहुँच जाएँ तो कब इनके खिलाफ, अगर ये बिल कम नहीं करते तो कब कर रहे हैं जी, आपको जब मैं कहता हूँ कि बिल आप मेरे पास भेजें, आप बिल फौरन जमा करवाते हैं,
पर पीछे जब ये ऐलान करवाते हैं आप, आपको डराते हैं, आप फौरन आकर मांगते हैं वापस दे, नहीं वापस दे, सरचार्ज लग जाएगा, वही सरचार्ज तबाही कर रहा है। तो ये करते हैं क्या, मैं आज जो है वो डेट है 27 तारीख मेरे ख्याल में लास्ट है, बिल्लू की यही है, बिलाद की यही है जी, 27 तारीख 25, हम 24 तारीख को कितने बजे टाइम आप तय करें ताकि मैं सबको देख रहा हूँ, मैं देखूँ आप पहुँचे हुए कितने बजे जी, टाइम जो है वो 23 तारीख को कौन सा टाइम रखें, बोलो जी, बिल आपके हाथ में होंगे, आप बताएं ना 23 तारीख को टाइम कौन सा हो, 10 बजे सारे लोग पहुंच जाएंगे। और पहुंच कर ये जरूर करें कि आप कहीं बैठ ही जाएंगे, ये कोई मसला नहीं है, ये मसला नहीं होता कि तादाद कितनी बड़ी है, तूफान है, हमें वो चाहिए कि जिनको गलत गलत नजर आता है, जिनको सही सही नजर आता है, वो लोग चाहिए हमें, बाकी जम्मे कश्मीर वाली कोई बात नहीं है। जिस तरह यहाँ पर कहा भी गया कि अगर सच्चाई पर हो तो एक ही काफी हो, झूठ पर लाखों का मजबा भी कोई काम नहीं करता। तो 23 तारीख को 10 बजे हमने ये भी देखना है, आप तो वैसे भी हाजिर होंगे, बाकी दोस्तों को भी कहें कम से कम हम इनको इन तक ये मैसेज पहुंचा सके कि अभी दिलों में भी और दिमाग में भी और जबान में भी अभी ताकत मौजूद है, हम आपको गलत कहते रहेंगे। और आटे के हवाले से ये इनको कहते हैं कि आटा पूरा करो, किला के हवाले से, बलोच के हवाले से, बैठक पे साड़ी टकी गला त्राड़खर। और साथ एक और बात आपको कहता हूँ, लास्ट पर त्राड़खर हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पर इमरजेंसी में जो वो डॉक्टर हर वक्त मौजूद रहता है, यहाँ से कोटली भागने के बजाय, वो भी आप सबकी जरूरियात है, उसमें भी आप सब ने हिस्सा लिया है। तो त्राड़खर के अंदर सोमवार को और जुमेरात को वहाँ पर गायनाकोलॉजिस्ट बैठती है, वहाँ पर चेकअप करवाएं, डेंटिस्ट जो वो लड़की वहाँ पर बैठती है। तो यहाँ से 2500 देकर कोटली जाके दूर जाने से बेहतर है कि आपका 20 रुपये खर्च होंगे ट्रांसफर जाए, इससे कि आपके पैसे बचाने की भी बात है। सोमवार और जुमेरात को और ट्रांसफर में जो THU है वहाँ पर हर वक्त इमरजेंसी की सूरत में डॉक्टर वहाँ पर मौजूद होता है। तो यहाँ से एम्बुलेंस करवा कर कहीं और ना भागा करें, सीधे जो है वो ट्रांस कर चले जाया करें, ये भी आपके जो है वो भले की बात है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, आपको आप जो है वो जिनका शरीर में एक भी टांगा भूजा सदा हॉस्पिटल का बाबू परिवार का जुड़ा हुआ है, ये जो आपके सामने दो नौजवान खड़े हैं और मैं आप सबके जज्बात से बढ़कर अगर जो हम तकलीफों का सिलसिला शुरू करते हैं तो रात गए तक आप लोग ये अंदाजे बताते रहेंगे। आप प्रैक्टिकल अपन के तौर पर मैं अपना बिल आज ही फारूक का चक्के हवाले करता हूँ और आइंदा डेट पर भी कोई लोग जला दें। और फिर जब आप ये बिजली के हवाले से या आतंक के हवाले से आगे निकलेंगे तो पहले मैं को दिखाऊंगा जो मैं बड़ा हूँ, उसके बाद फारूक का चुप खाएगा, गोली उसके बाद मेरा बजाय भाजपा खाएगा, इंसाफ खाएगा, फिर आपकी बारी आएगी। हम आवाज तो किसी तरह के करने वाले नहीं है, गोली का नशेबा पढ़ने के लिए खुद तैयार है, सितम का भी जरा हुनर आजमा तो टी आजमा हम चीज़ आजमा।